आपने अपने गांव घर में एक लोकोक्ति सुनी होगी कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ऐसा क्यों है। नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमरी बात राम से कहियो। इस लोकोक्ति के अनुसार नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरा पर्व पर इस पक्षी के दर्शन को शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना जाता है, जिसके चलते दशहरे के दिन हर व्यक्ति इसी आस में छत पर जाकर आकाश को निहारता है कि उन्हें नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं, ताकि साल भर उनके यहाँ शुभ कार्य का सिलसिला चलता रहे। इस दिन नीलकंठ के दर्शन होने से घर के धन धाम्य में वृद्धि होती है और फलदायी एवं शुभ कार्य घर में अनवरत होते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी वक्त नीलकंठ दिख जाए तो वह देखने वाले के लिए शुभ होता है। कहते हैं श्री राम ने इसी पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की। विजयदशमी का पर्व जीत का पर्व है। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन की परंपरा बरसों से जुड़ी हुई है। लंका जीत के बाद जब भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की एवं ब्राह्मण हत्या के पाप से खुद को मुक्त कराया। तब भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पर पधारे थे। नीलकंठ अर्थात जिसका गला नीला हो। जनश्रुति और धर्म शास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर ही नीलकंठ हैं। इस पक्षी को पृथ्वी पर भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना गया है। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही एक रूप है। भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते हैं। वहीं विज्ञान इसे दूसरी तरीके से देखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भाग्य विधाता होने के साथ साथ किसानों का मित्र भी है, क्योंकि यही सही मायने में नीलकंठ किसानों के भाग्य का रखवारा भी होता है, जो खेतों में कीड़ों को खाकर किसानों की फसलों की रखवाली करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। नए अवतार में, नए अंदाज में, अपने उसी तेवर के साथ आपका lalluram.com, नाम वही अंदाज नया, छत्तीसगढ़ की सबसे विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट lalluram.com, सच कहेंगे लल्लू राम।